वेल हाय गाइस, तो चलिए आज मैं बताती हूँ आपको बेस्ट 100% रिजल्ट देने वाली रेमेडी जो आपके बालों में 100% रिजल्ट देगी। तो उससे पहले वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कॉफ़ी शैम्पू रेमेडी जो आपके बालों में 100% रिजल्ट देगी। और आप रिजल्ट एंड में देख सकते हैं मेरी वीडियो में, बट वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ शैम्पू। आप कोई भी शैम्पू यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जो आप घर पर अपने बालों में यूज़ कर रहे हो वो शैम्पू भी आप यहाँ पे ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया है शैम्पू 1/2 कप। आप चाहें तो कम और ज़्यादा भी ले सकते हैं। साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे हनी। हनी बेसिकली हमारे बालों को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है, हमारे बालों में शाइन लेकर आता है। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर हनी ऐड कर रही हूँ। ये बेसिकली नेचुरली कंडीशनर का काम करेगा आपके बालों को। आप अप्लाई करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपके बालों में कितना आपके बाल जो हैं वो सॉफ्ट हो रहे हैं। साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे एलोवेरा। तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में एलोवेरा अवेलेबल है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून एलोवेरा इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। एलोवेरा आपके बालों को जड़ से सॉफ्ट करने में हेल्प करता है, शाइन लेकर आता है। साथ ही इसके अंदर हम ऐड करेंगे कस्टर्ड ऑयल। कस्टर्ड ऑयल आपके बालों को मजबूत बनाता है, जड़ से मजबूत बनाने में हेल्प करता है। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून कस्टर्ड ऑयल लिया है। साथ ही हम लेंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी जो हमारे बालों को, जो हमारे बालों की स्कैल्प है, हमारे जो स्कैल्प है उसको क्लीन करने में हेल्प करता है। साथ ही ये हमारे बालों की ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इससे हमारे बालों में बहुत अच्छी ग्रोथ होने लगती है। तो यहाँ पे मैंने लिया है कॉफ़ी। इसको हमें करना है अच्छे से मिक्स, क्योंकि इन सबको मिक्स करके हम रखेंगे थोड़ी देर। ये आपके बालों में 100% रिजल्ट देगा। मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ, तब जाके मैं ये रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको किसी और वीडियो पे या किसी चीज़ पर रेमेडी चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो गाइस आप देख सकते हैं जो कॉफ़ी है वो इसके अंदर अच्छे से हो चुकी है मिक्स। इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं है। आराम से इसको स्टोर करके भी आप रख सकते हैं और इसको अपने बालों पर अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आगे मिलते हैं आपको अप्लाई करते हैं। गाइस जब भी आप कॉफ़ी इसको अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले एक मग में आपको लेना है पानी। पानी के साथ इसको हमें एक अच्छा सा पहले पतला सा घोल बनाना है। डायरेक्ट कभी भी शैम्पू अपने स्कैल्प में अप्लाई मत किया कीजिए। इसको पहले आप पानी के साथ मिक्स कर लीजिए। तो यहाँ पे आप सूखे बालों में जो है शैम्पू वो अप्लाई किया कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है हमारी स्कैल्प जो है वो अच्छे से क्लीन होती है। कई लोग बालों में पहले पानी अप्लाई कर लेते हैं, पर आप पहले सूखे बालों में शैम्पू जो है थोड़ा थोड़ा अप्लाई करिए और उससे फिर आप अपने बालों को, अपना जो स्कैल्प है वो आराम से आप साफ़ कर सकते हैं। और ये आपके बालों में वर्क करेगा। अगर आप चाहें तो आप यूज़ करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ शैम्पू से अपने बालों को, स्कैल्प को जो है क्लीन करना शुरू किया है। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं बार बार बोलती हूँ लेकिन कोई नहीं करता है। तो आप आगे रिजल्ट देख सकते हैं कि ये मेरी आज से 3-4 महीने पहले की वीडियो है। यहाँ पे मेरे बाल कितने छोटे थे आगे, पर आप देख सकते हैं कि थोड़ा रिजल्ट मुझे यहाँ पे मिला है। तो अगर आपको भी चाहिए तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।